So, the live video has been started. Okay. I'll just let you know when we have the viewers. Or is anyone? Okay, so we have started getting the love smileys for both of you, and slowly the viewers are getting increased. Okay. So you could at least apologize. Hello everyone, I'm extremely sorry for the inconvenience. We just had to rush for a shot, but now we're back again and you can ask your question. मेरा वाला हिंदी वर्जन हाँ इंग्लिश वर्जन तो जिनको हिंदी नहीं समझता वो ये समझने का सो आई थिंक यू वर सैड यू वर लाइक पुटिंग नेगेटिव कमेंट्स कि ये लाइव क्यों करा 5 मिनट के लिए आए आप लोग शूट पे चले गए बट वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम वो शूट के बाद भी रुके एंड आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है एज आई सेड गाइस वी वेरी सॉरी आज हम लोग की सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी 7 से 7 अब भी हमारा पैकअप हुआ है and we really apologize for the inconvenience Sorry. But now we're back again so Vikram and Neha is with me Varun ke saath hum already pehle ja chuke live so shoot in your questions whatever you want to know from their school and college life and from their current routine so any live comments we are getting or should I start from my Mallika is asking how was your college life from both of you my college life was not so interesting क्योंकि मैं एक्चुअली सही बताऊं तो मैं गर्ल्स कॉलेज में थी और मेरा पूरा दिमाग ध्यान यहाँ रहता था कि कौन सी जगह में चंडीगढ़ में ऑडिशंस हो रहे हैं बिकॉज हार्डली ऑडिशंस होते थे और मेरे को पता नहीं क्या न्यूज़पेपर में निकाल के था जॉब की वैकेंसीज की लिस्ट जाके मैं वहां भी ढूंढती कहीं एड ऑडिशन के लिए यहाँ तो नहीं आता सो मेरा पूरा 3 साल ऐसे ही गए एंड आई डोंट नो व्हाई गर्ल्स कॉलेज में शायद मुझे इतना मजा नहीं आया वो मैं अभी आने वाला हूँ थोड़ा आपके तो मैं जो व्यूवर्स हमारे पोस्ट मिस कर चुके हैं मैं आपको भी बता दूं एक्चुअली ये जो हम लाइव सीरीज रन कर रहे हैं वी आर इन टू चैप्टर 13 बी कह सकते हैं 13 ए वी डिड विद वरुण 13 बी बिकॉज़ आप बीच में छोड़ गए थे तो आप वापस रिवर्ट कर रहे हैं 13 बी एक मूवी भी है ओके वी आर नॉट डूइंग प्रमोशन फॉर दैट सो दिस इज लाइक फिल्मी पाठशाला जहां हम सेलेब्स की थोड़ी पोले बिल्कुल एज अ स्टूडेंट क्या मिस्टीरियस थिंग्स आपने करी एंड व्हाट थिंग्स यू डिड डिफरेंटली इन योर लाइफ दैट यू हैव मेड टू सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म इन वेल यार एज अ स्टूडेंट मैं बहुत ही शरारती था मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे बॉम्बे में की थी आर्या विद्या मंदिर जो स्कूल का नाम है एंड यार मैं हमेशा क्लास के बाहर रहता था मैं सबसे शरारती लड़का था मैंने मतलब पढ़ाई तो कभी की नहीं होगी मेरी माँ ने मेरे माँ बाप ने सिर्फ एक चीज कही थी मुझसे कि भैया बस पास हो जाना 10वीं में एंड आई गॉट अबाउट 50 or 60% सो माय स्कूल लाइफ वाज क्रेजी आई एम स्टिल इन टच विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड या द लाइफ वाज ऑसम मैन या अमेजिंग इन फैक्ट मेरी स्कूल लाइफ बहुत अमेजिंग थी बिकॉज मैं आर्मी किड हूँ तो हम लोगों का आर्मी स्कूल तो होता था एंड अलग ही यू नो स्ट्रिक्टनेस होता था यू नो बंक वगैरह मारना बहुत डिफिकल्ट होता था तो मैंने एक्चुअली दीवार में जंप किया अगर पता चलेगा बहुत कोसेंगे और मेरे स्कूल फ्रेंड्स यू नो आज भी अक्रॉस द वर्ल्ड है मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया कोई कैनेडा कोई कहीं लेकिन स्टिल हम लोग इतना ज्यादा टच में है हर कई साल में एक बार ट्रिप पे जरूर जाते हैं हम स्कूल से दैट्स द बेस्ट पार्ट ओके So thank you for sharing those moments with us. So already ये questions में वरुण को put on कर चुका हूँ because plan ये था कि हम तीनों को साथ ला रहे हैं but again I'll be putting these questions to you because obviously आपने नहीं सुने हैं questions. So ऐसा कभी हुआ you did any mistake during your childhood days school या घर पे and you ran away from that punishment या झांसा देके आप घर वालों से भागते हैं and school में teacher को झांसा देके भागते हैं आपने कुछ ऐसा कर दिया अच्छा तो आप पूछ रहे कि मैंने स्कूल में ऐसा कुछ किया है कि पनिशमेंट मिलने के बाद मैं भाग गया नहीं पनिशमेंट नहीं आप उसको झांसा देके भाग गए उनको लाइक असेंबली में बम फोड़ा लेकिन पेट कोई और विक्रम जी पहले मार रहे बहुत अब यानी कि हमारा एक ग्रुप हुआ करता था स्कूल में वी वर अराउंड 7 or 8 ऑफ अस आज भी मैं उनके टच में हूं मतलब हम लोगों ने ऐसी कोई शरारत नहीं होगी जो हमने नहीं की होगी ट्रस्ट मी एवरीथिंग टीचर्स को परेशान हमने मतलब जो चॉक पाउडर होती थी वो हम लोग चाय में मिला देते थे हम लोग ने मतलब वी डन द क्रेजीएस्ट थिंग्स यार हम लोग बास्केटबॉल में बहुत अच्छे थे तो हम लोग ने हम लोग
हमेशा प्रैक्टिस की बात बहाना बना के हम निकल जाते थे क्लास से, बट क्लास के अलावा हमने पूरे स्कूल में हर जगह बहुत बताया। तो आप कैप्टन रहे होंगे? Absolutely, I was very good in sports and basketball खेलता था, I was a good runner, I was a good swimmer. और जब बिजनेस स्टडीज का होता था ना क्लास और मैं ऐसे होती थी नेहा इसका आंसर मतलब है, तो उससे बचने के लिए मैं क्या करती थी ना, पहले बोलती थी सर वो एक्चुअली एनुअल फंक्शन से पहले वो जो फंक्शन होने वाला है ना उसकी रिहर्सल्स करनी है तो मुझे डांस के लिए जाना था। मतलब ये फिक्स बहाना था। एंड बहुत डांस परफॉर्मेंसेस किए मैंने और गेम में भी झूठ बोला है, मतलब हैंडबॉल वगैरह कुछ ही, बस भागना है इन सब क्लासेस से। तो कोई भी बहाना। फ्यू ऑफ योर फैंस वर रिक्वेस्टिंग लाइक एनीथिंग लाइक प्लीज आप अपने फैन पेजेस या कुछ जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है हर कोई वेरीफाइड टिक मार्क करो। ओह ओके ओके। सो वो रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज विक्रम और नेहा यार कैसे करवाते हैं कोई पीआर टीम, कोई पीआर टीम देख रही है तो प्लीज अप्रोच करें, आपको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। I would sincerely like to apologize to all the people who like my work, who like me as an actor. लेकिन मैं इतना socially active नहीं हूँ, मैं इतना, but मैं सीख रहा हूँ अभी धीरे-धीरे। मैं अभी in fact 6 महीने ही हुए मुझे Instagram पर आके, so सीख रहा हूँ। Hopefully very soon I'm getting so much love from all of you, so hopefully very soon ये जो आप request करें एक verified account भी बन जाएगा आपकी दुआ से, and I'll be more active, I'll start interacting a lot more with you guys. Hopefully. And thank you for giving your precious time to us. And मैं बता दूँ आपके नाम से काफी pages already चल रहे हैं। अच्छा। शायद आप कभी ढूँढने। No, actually Facebook पे I really want to thank that girl, उन पाकिस्तान से है शायद वो, उन्होंने मेरा नेहा बग्गा The Queen of Heart. Seriously, मतलब thank you so much. वो मेरा अभी तक का best fan page है जो बहुत अच्छे से follow up करती हैं. So really thank you. Keep doing going like this. Yeah. Thank you so much for your love. ऐसा any funny moment which still bring a smile on or laugh on your face when you remember it from school or childhood days. ऐसा कोई funny moment? या दोस्त की पिटाई करी हो या funny moment जिसका आप सोच के अभी भी realize करते हैं यार ये क्या हो गया ना मेरे साथ कभी। oh हाँ लेकिन मैं सब भी like to share or not and please look for the like comment yes. I'll be asking about you Vikram, how do you really maintain your fitness? My fitness hi Alok, to be very honest, see, I have been a model for the past 6-7 years before I started my career in acting. तो एज अ मॉडल हमारे लिए बहुत जरूरी होता है टू बी फिट, टू हैव अ गुड फिजिक, क्योंकि ज्यादातर आप बिना कपड़े के ही होते हो। सो इनिशियली मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी। ऑफकोर्स द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर आपको अपना डाइट का ख्याल रखना पड़ता है और जिम, बट अगेन एज आई सेड जिम सिर्फ 30% होता है, 70% इज व्हाट यू ईट। तो बहुत मेहनत होती है, बहुत डेडिकेशन होता है, बहुत कमिटमेंट होता है, एंड या आई थिंक दैट्स द प्राइस वी हैव टू पे फॉर दिस प्रोफेशन। या ओके, If ever given a chance like for your first movie in future, and I wish ki wo ho bahut jald aap logo ke sath, so with whom you would like to act in your first debut? You want to start? No. Okay, in my debut film, I would say I'm a very big fan of. Are you talking about a female co-star or female? Okay, as in co-star, I'm sorry. No, because I look up to Bachchan Saab. I mean, it's a dream to work with Bachchan Saab. But in terms of a female co-star, I really admire Deepika Padukone. Especially, she comes from a modeling background, so I can completely relate to her. And her growth as an actor is tremendous. I mean, if you look at her previous work and if you look at her now as an actor, she looks beautiful. You know, एक प्रॉब्लम होती है मॉडल्स को, लोग बोलते हैं अरे दिखता अच्छा है लेकिन एक्टिंग नहीं आती। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम दैट ऑल मॉडल्स फेस, बट दीपिका पादुकोण ने जिस तरह से अपने आप को ग्रूम किया है एंड द वे शी इज इंप्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग इज फिनोमिनल। सो मेरा सपना है कि अगर कल मैं फिल्म करूं इट हैज टू बी दीपिका पादुकोण। ओके, मेरे जो फेवरेट है ना, आई डोंट नो, लाइक माय फेवरेट इज सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा जी। तो आप चाहते तीनों ही आपके साथ मजा आ जाएगा। गोविंदा जी सो
सलमान खान अक्षय कुमार लाइक कोई डांस कर रहा है किसी डिस्को पे जाए मतलब आई डोंट नो उस टाइम पे मैं ऐसा ऐसा लुढ़कना चाहूं मतलब उस सिचुएशन में सो एनी लाइक कमेंट्स और एवरीबॉडी सेइंग हाय हेलो ओके क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस अदर सो एक फन सेगमेंट मैंने वैसे सोचा हुआ था हां जी कि वरुण तो अब नहीं है उनके साथ हम अलग से लाइव पे थे सो कैन यू मिमिक हाउ नेहा यूज्ड टू एक्ट Can you do the imitation? Can I mimic Neha Bagga? आपको भी मौका मिलेगा आपको नहीं मेरे को खुद के लिए डर लगा let's have that fun. Okay. I'm not sure. मैं इतना अच्छा नहीं हूँ mimicking में. Some gestures, any expression, particular thing. यहाँ मुझे ये नेहा जब एकदम ही नेहा के दो रूप लगते हैं मुझे जो हमारी प्रज्ञा यादव डॉक्टर है उनके दो रूप है एक जब वो कैमरा के आगे होती है शी इज अ कंप्लीट डिफरेंट आई थिंक शी इज अ ग्रेट एक्टर एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा शी इज रियली गुड और कैमरा ऑफ कैमरा वो एक बच्ची बन जाती है मतलब अचानक वो एक बच्ची बन जाती है जैसे कोई भी अच्छा 16-17 साल की लड़की बच्ची होती है ना वैसे बात करती है यू नो ऐसे ऐसे रियली बबली एंड शी इज गुड फन टू बी अराउंड ओके देन ये लास्ट वाला अच्छा था गुड फन ओके विक्रम के लिए मैं जैसे विक्रम जो है ना वो अलग पर्सनालिटी है जो कबीर है वो अलग पर्सनालिटी स्क्रीन पे कभी बहुत कम बोलता है दिस इज देयर डॉक्टर है सीनियर है तो बहुत कम बोलता है पीछे स्क्रीन पे तो आप लोगों ने देखा है ना पीछे कम है वाला आई वुड लव टू सी दैट व्हाट अप यार अबे मतलब सर ये कितना सीनियर मेरे को सर अभी सीनियर बोलता अभी रेडी करने का मतलब आप कैसे करेंगे सर मतलब क्या बोल रहे थे ना कि मतलब 5 मिनट है क्या नहीं अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं बैठता हूँ मैं बैठते ही ऑडियंस यू कैन क्लैप एट योर होम आपको घर बैठे एक इतना बढ़िया लाइव लाइक प्रिविलेज फॉर मी मेरा प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या है मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर लेती हूँ लोगों की हरकतें तो फिर वो दिमाग में रहता है कोई मौका दे तो सही कि इसको पता ही कैसे चलता है कैसे बैठता है ले बॉस रेडी है मौका हमने आपको दे दिया सो दैट वाज अ रियली वंडरफुल फन फ्रेगमेंट आई विल क्विकली मूव टू सम क्विक क्वेश्चंस पोटेंशियल या सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस या आप टू रिएक्ट इंडिविजुअल विल टेक द लेडीज फर्स्ट ऑलवेज ओके ओके योर फनी निकनेम ड्यूरिंग स्कूल डेज बाय विच योर फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल पहाड़न पिकाचू हां आई मीन बगा तो सब होता है पिकाचू बहुत फनी था पहाड़न वी आर फाइन नाउ विद द लाइफ देयर सो मलिका इज आस्किंग शी लव्स योर बिहारी एक्सेंट ओह रियली थैंक यू सो मच नो शी इज नॉट अ बिहारी या आई एम नॉट बिहारी आई एम हिमाचली गर्ल एंड बोर्न इन ब्रॉट इन चंडीगढ़ सो आई नो So you like to have Varun with you or Vikram? अरे bench partner. अगर school में होते हैं अगर साथ में दोनों आपके. School में होते तो I'm sure Varun को choose करती हूँ क्योंकि मेरा उसके साथ मस्ती लड़ाई वाला ऐसा चलता है. Vikram ना थोड़ा serious type है. नहीं 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 यार violent नहीं. यार इस side Varun इस side. Okay.
So, what would you have become if not an actress? अच्छा पूछा था तो मैं भी एयर हॉस्टेस और अगर वो नहीं काम करता देन शायद बैंक में जाना. So we are happy to see you here. Thank you so much. And last one, three things that no one knows about Neha from the school and colleges. Like ऐसा कुछ आपने मस्ती करी है कुछ जो घर को out of the blue जो audience ऐसी पिटाई करी हो लड़के की किसी ने कभी छेड़ा हो. नहीं नहीं एक्चुअली सही में मुझे याद आ गया कि एक्चुअली स्कूल में मैं बहुत ही अजीब थी. मतलब अगर कोई लड़का मुझसे ज्यादा बात करता था तो मैं ऐसा सोचती थी इतना क्यों ज्यादा बात कर रहा है. मतलब मेंटेन मिसिंग. और जो मेरे अपने दोस्त थे मतलब उनके साथ फुल पंडे गए. तो एक लड़के ने मुझे जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कुछ तो कि स्कूल में कुछ ऐसा हुआ नॉट क्रश कि कुछ ऐसा हुआ जो आपको आज तक याद सोच के हंसी आती है. सो एक्चुअली क्या हुआ था जब आई वाज इन आई थिंक 11th स्टैंडर्ड तो एक लड़के ने उच्चा लंबा का सॉन्ग पे मेरे लिए परफॉर्म किया एंड उसने मुझे प्रपोज कर दिया. सो बॉस मतलब मैं तो ऐसे हो गई कि मेरी बेइज्जती कर दी इस लड़के ने. ऐसे कैसे कर दिया. और उसके बाद मैंने जाके उसे सुना दिया तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की तू है कौन. उसके बाद तो मतलब 12th तक वो हमारे स्कूल में ही था. वो वहां होता था तो मैं यहाँ से ऐसे निकल आती थी कि ये इंसान मेरे सामने नहीं आना चाहिए. मेरे लिए वो मतलब बुरा इंसान बन गया था. तो उसके बाद अब सोच के थी हंसी आ गई क्या किया तभी तू सिंगल है. You could see like how bubbly and enthusiastic and energetic. Yeah, I could really she is the Jaan of the set. Trust me. So when she's not around, there's no fun. So these are the things like as a character you see them on the screen what they are asked to do, but as a in real life how they are you could see. See actor वही है. Yeah. जो आप बोलो वो perform करे. Yeah. So आप काफी टाइम से चुप बैठा मैं. Yeah. So rapid fire मैं same questions I'll put on you. Okay. Same sequence. Yeah. Your funny nickname by which your friends used to call you in school and college. Okay, I'll be very fast on this. My funny nickname is Vic, Vicky. और एक नाम जो मैंने जबरदस्ती रखवाया था क्योंकि मैं सिल्वेस्टर स्टेलोन का बहुत बड़ा फैन हूँ और लोग बोलते थे बचपन जब इससे पहले जब मेरी बॉडी थी मैं दिखता भी उसकी तरह था क्योंकि मेरे लंबे बाल थे. They used to call me Rocky. So these are the three names I have. Vic, Vicky, Rocky. कोई जानू बापू नहीं बुलाता था. No, I think secret होएगा ना. मैंने तो बोलेंगे नहीं. अभी कोई नहीं बोला. अब उनका आपने reveal कर दिया कि she is single. तो I'm also single. I'm also very much. Okay, तो please approach them. Okay. If you are given a choice to select the best partner out of Neha and Sachi. Neha and Sachi. Swarda. सोच के बोलना मैं साथ नहीं बैठी हूँ. That's a very tough choice. Because both are my favorites, but see साची तो आजकल वीर के प्यार में पागल है तो. Oh thank you. But I feel like answer there. Doctor प्रज्ञा यादव मतलब would be my choice, but she'll be my first choice of course. मुझे लगा कि वो अब्बास मुस्तान टाइप अलग ही कैरेक्टर देखने का है कौन है यार बीच में. The first choice कौन है? तू ही है. ठीक है. हाँ. Of course. So अब ये भी next किया. Yeah. Okay. What would you have become if not an actor? Not an actor. If not an actor, मैं मेरी बचपन से ख्वाहिश थी दो चीजें थी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा क्योंकि यार मैं रहता नहीं था प्लस फैमिली से कोई ये इंडस्ट्री में था नहीं. सो इधर मिलिट्री या फिर पायलट क्योंकि मेरी माँ की बचपन से ख्वाहिश थी. मैं यहाँ पे भी सबको बोलता कि शी वॉन्ट टू सी मी इन अ यूनिफॉर्म और वो एक यूनिफॉर्म का जो फील है जो लुक है समथिंग एल्स. आई मीन हैट्स ऑफ टू द सोल्जर्स एंड द जवान्स. आई रियली रिस्पेक्ट देम एंड या तो अगर मैं एक्टर नहीं होता तो या तो मैं आर्मी में होता या तो एक पायलट होता. Yes. So, कोई प्रोड्यूसर देख रहा है तो यू कैन अप्रोच फॉर दैट रोल एटलीस्ट. आर्मी वर्सेस लाइक मेरे डैड आर्मी से रिटायर्ड हैं. 1999 की वॉर में मेरे डैड थे. सो मेरे लिए आर्मी वालों के लिए रिस्पेक्ट मतलब वैसे कि सामने देखे तो बस. एंड एक बहुत अच्छी चीज है टुडेस विजय दिवस 1971 इन वी वॉन अगेंस्ट पाकिस्तान 95 टुडेस विजय दिवस एंड विजय इज विद अस. So last question. Absolutely. Three things that no one knows about Vikram from his school and college days. Three things that no one knows about Vikram. ठीक है. एक भी चलेगा. नहीं मैं आपको बता देता हूँ. एक तो मेरी पैदाइश बम्बई की है पर मेरा पूरा परिवार अमेरिका में रहता है कैलिफोर्निया में. मैं भी वहाँ तकरीबन 6-7 साल रहा हूँ
और फिर वापस आ गया बॉम्बे एंड लुक हु डू वी हैव हियर यू कैन जॉइन इट ओके एंड या सो वहाँ पे साची खड़ी है वो आने से मना कर रही है इनकार कर रही है इनका हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन भी करा था बर्थडे इफ यू रिमेम्बर चैप्टर 5 ओके सो गेट जॉइन इन जॉइन द गेम ऑलराइट गाइस से हाय प्रेम हमारे सामने So yeah, I'm just gonna finish then we can start ask Sachi some questions. एक तो वही है कि मैं अमेरिका में काफी बतरा और फिर मैं वापस आ गया to become an actor. I started off as a model, 7 साल से modeling कर रहा था और अभी actor बन गया हूँ. और उसके अलावा क्या है? बहुत in fact मैं ये लोग सब जानते हैं मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं बहुत बड़ा गुंडा था मैं एक बैंड्रा में मतलब हम लोग का गैंग हुआ करता था तो जो जो भी मस्ती ऑफ कोर्स इट वाज जस्ट इन फैक्ट कॉलेज डेज में कैसे हम लोग करते हैं मतलब लोगों से पैसे निकलवाना है मस्ती में सो वी वर लाइक द कॉलेज गुंडास यू कैन से यू नो बहुत मस्ती करते थे अभी नहीं अभी सुधर गया वक्त के साथ थोड़ा सुधर गया बट यार दीज आर द थिंग्स यार आप लोग जानते हैं एज एन एक्टर हमारी जिंदगी खुली किताब होती है ज्यादा कुछ छुपाने के लिए है नहीं और लाइफ है इन फ्रंट ऑफ योर सो यार दैट्स अबाउट और जो बचा कुचा वो हम निकाल रहे हैं एग्जैक्टली सो स्वर्दा प्लीज एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर और इसे गाइस अगेन स्टार्ट आस्किंग एवरीबॉडी शाउटिंग हाय स्वर्दा मैम ओह हाय 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 प्लीज वॉच आवर शो एट 6:30 ऑन कलर सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्टल ये स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में जितने इंजीनियर्स बैठे हैं लड़कियां लड़के अक्रॉस द वर्ल्ड प्लीज उनका शो देखिए स्कूल हॉस्पिटल हॉस्पिटल हम लोग ऐसे ही प्ले करते हैं जैसे हम लोग कॉलेज एंड बिहाइंड द स्क्रीन वॉच स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ We really appreciate them for coming here and taking our interviews and getting so personal with us and making us connected with you guys. So thank you so much. आते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे. Anytime. Thank you so much. I think ये मेरा Facebook पे first time live था. So आप conclude करना चाहेंगे? Any live comments? Any किसी को CD मार रहा है किसी को देख के ऐसे? Tansila is asking, asking Swarda, ma'am. Okay. Ma'am, your glasses number are? भाई मतलब क्या? One is 0.25 and one is 0.75. Oh, same. कितने सच्चे लोग हैं सच्चे बच्चे. तो हमारा जो motive रहता है, we are running this live series. आज को जो इतना tension, pressure हो गया ना कि पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई. तो ऐसा कोई inspiring message, success mantra. लेकिन अगर पढ़ाई छोड़ के डांस सीखना है पढ़ाई छोड़ के कुछ और चीज सीखनी है जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है वो पहले कर यू नो जो आपका यहाँ से बोलता है ना कि ओके हम ये बनना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब आप कोचिंग्स देना शुरू कर दो या कुछ और बाकी चीजों में प्रेशराइज होके फिर वो सारी खिचड़ी पक जाती है दिमाग की बिके जा रहा है फेस दैट सो आई नो आज तो जितना आप फर्स्ट वीडियो के बाद दुखी हुए थे आप भी अब उतने ही डबल हैप्पी हो चुके हैं मेरे ख्याल से तो फुल द एंटायर कास्ट ऑफ सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल क्या बकवास कर रहे थे इसने क्या बकवास किया वो आप जाके देखिएगा बट थैंक यू सो मच फॉर दोज इंस्पायरिंग मैसेजेस कोई भेज रहा है मेरे को मैसेज इंस्पायरिंग मैसेज ये बिहाइंड द सीन्स यू कैन सी आई एम शॉक्ड कि
आपका वो फन सेगमेंट रह गया था ना वो कर ले कैन यू मिमिक विक्रम और नेहा मस्त करेगा क्या होता है भाई उसके टाइम पर नहीं छोड़ोगे जिम कौन जा रहा है ऐसा टकाटक दिखना मत टकाटक दिखना मांगता है देखो आई कांट बिलीव आई सेड दैट वो निकल गया था मुझसे यार सही है यू वुड लाइक टू डू फॉर वीर एज वेल आपका वरुण अभी इन्होंने बहुत अच्छा ना एकदम मेरी तो उदाल दी इसकी लैंग्वेज इज वेरी कैची हम लोग सब सब इसकी लैंग्वेज में बात करना आजकल अपन लोग ने शुरू कर दिया है जैसा ये बोलता है वैसे ही फॉलो करता है ऐसा चल ना मेरा कर ना क्या कैसे करती मैं देखता हूं नहीं यार करता तू पका हुआ यार मजा नहीं आया करता दिखा ना तेरा मिमिक्री अरे अपनी कला का दिखा ना कला का दिखा जो करना है करने उसके बाद मैं बताऊंगा इसने कितना सही किया तब कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी आई एम क्वाइट डू तुम जानती भी हो कि फ्रेम साची तो भाई उधर साची तो मैं भाई उधर चल मत इधर ऐसा डिस्टर्ब होता सर सर रेडी सर साची तू आज मत तू नीचे तू मुंडी नीचे रख ये हस्ती बहुत है तीसरी बार सामने खड़ा रहेगा तो किसको हंसी नहीं आएगी बट सही इसने सही किया इसने बकवास थैंक यू सो मच एंड फाइनली आपकी सारी विशेस पूरी हो गई लव यू गाइस बाय बाय बाय